सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में बुधवार की शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार की शाम को सालासर बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। समय अभाव की वजह से उन्हें करीब 7 मिनट में ही वापस निकलना पड़ा। मंदिर परिसर में मात्र 7 मिनट अशोक गहलोत रुके। वहीं सीएम अशोक गहलोत का आगमन कार्यक्रम 4 बजे का था, लेकिन यहां करीब 1.5 घंटे देरी से हेलीकॉप्टर से पहुंचे। सालासर बालाजी मंदिर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5:25 पर प्रवेश किया और करीब 5:32 पर वो वापस निकल गए। हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम जल्दबाजी में हुआ। इधर बालाजी मंदिर में हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, सांवरमल पुजारी, कमल किशोर पुजारी, धनराज पुजारी, सत्यप्रकाश पुजारी सहित पुजारी परिवार के अनेक लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान मनोज पुजारी, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी, विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सालासर बालाजी महाराज की प्रतिमा भी भेंट की गई। वहीं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की मंशा रखने वाले लोगों को निराशा ही हाथ लगी। सुजला महासत्याग्रह द्वारा जिले की मांग को लेकर बाजारों में सुबह बंद करवाने का प्रयास किया गया और नारेबाजी की गई। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिले की मांग को बुलंद करते हुए अपील की गई। विजय पाल शोराण, किशोरदास स्वामी, रणसिंह शोराण, प्रेम स्वामी, नरेंद्र गुजर, भवनलाल गिलान, एडवोकेट तिलोकचंद मेघवाल सहित अनेक लोगों ने नारेबाजी करते हुए बाजारों में दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस जाप्ता भी मौजूद रहा। घंटाघर, गांधी चौक व इसके आसपास के बाजार में दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया गया। वहीं जिले की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। सालासर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में जिले की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने गणेश मंदिर के पास रोक लिया। करीब शाम 4 बजे जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, पार्षद सिराज खान कायमकानी सहित अनेक लोग धरना स्थल से नारेबाजी करते हुए गणेश मंदिर चौराहे पर पहुंचे, जहां डीएसपी शकील अहमद, सीआई मुकुट बिहारी मीणा आदि के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता व आरएसी के जवान तैनात मिले। कुछ देर तक यहां पर नारेबाजी करने के बाद पुलिस अधिकारियों प्रदर्शनकारियों के बीच यह तय हुआ कि एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने के लिए सालासर जा सकेगा, जिस पर मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सालासर के लिए रवाना हुआ। बाकी प्रदर्शनकारी वापस धरना स्थल की ओर चल दिए। प्रदर्शनकारियों में तेजपाल गोदारा, कृष्णलाल चरण, जितेंद्र भार्गव, सोहनलाल गोयल, मोहनलाल मेघवाल, लियाकत सलीम, पवन भोजक आदि के नाम शामिल है। आपको बता दें लगातार 14 दिनों से यहां पर धरना जारी है। सीएम साहब सालासर आ रहे हैं और हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए उधर सालासर हमारी टीम रवाना हुई थी, तो यहां जो सीओ साहब हैं उन्होंने हमारा टीम प्रतिनिधिमंडल की सेपरेट सीएम साहब से वार्ता कराने के लिए आश्वासन दिया है। हम 3 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब से मिलकर के जिले की मांग करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और हम राजस्थान सरकार से जिले की मांग कर रहे हैं और सीएम साहब से मिलकर के पुरजोर तरीके से हम जिले की मांग करेंगे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सांडवा कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय का लोकार्पण विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काट कर किया है। कृषि विपणन बोर्ड के निर्देशन में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सांडवा में कन्या कॉलेज की भव्य इमारत बनकर तैयार हुई है। वहीं उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जब 2018 में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था तब प्रदेश में केवल 200 कॉलेज थे और आज की तारीख में प्रदेश में करीब 450 कॉलेज हैं, जो उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। विधायक ने कहा कि गहलोत सरकार ने गारंटी के साथ प्रत्येक घर को राहत व फायदा पहुँचाने वाली योजनाएं दी है, जिसके दम पर हम फिर से प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जनता हमें आशीर्वाद देगी। विधायक मनोज मेघवाल ने विधायक कोटे से कॉलेज के छात्राओं के लिए फर्नीचर दिए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम में सरपंच विकास सारण, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल, लोनाराम मेघवाल आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। प्राचार्य विनीता चौधरी ने सभी ग्रामीणों से कॉलेज में सहयोग की पहल की। इस अवसर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष नरपत गोदारा, लक्ष्मी नारायण केवटिया, हरदेव हनुमान महिया, पूर्व सरपंच केसर सिंह राजेसर, राम नारायण सारण, पप्पू राम बटेसर, दीपक धनकड़, हेमराज, अनिल मेघवाल, सुरेश केरिया, सरपंच संजय पड़ियार, मुनीराम सारण, जीसाराम प्रजापत, लाल चंद गढ़वाल, जीवराज सिंह राठौड़, मूल सिंह मेघवाल, श्रवण राम टांडी, सरपंच प्रतिनिधि मनसुख गोदारा, एक्सएन जगदीश गढ़वाल, जेएन विकास खांडल, बेगरा सारण, रामचंद्र जानी, कृषि अधिकारी
दिनेश कुमावत, जगदीश सीवल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण नेता मंचस्थ रहे। संवेदक राकेश शर्मा का विधायक मनोज मेघवाल ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। संचालन देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल ने किया। इससे पहले विधायक मनोज मेघवाल ने कॉलेज परिसर की इमारत का अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम के बाद कृषि विभाग की ओर से जागरूकता मोबाइल वैन को भी हरी झंडी दिखाकर विधायक ने रवाना किया। मार्च 2022 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांडो में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी, यानी पिछले साल, और उसी साल पिछले साल ही जुलाई में अस्थायी भवन में कॉलेज शुरू हो गया था। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने बजट स्वीकृति देके उसके भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी थी। यहाँ 10 बीघा जमीन उसके लिए अलॉट हुई पंचायत के द्वारा, जो पूर्व में यहाँ जमीन थी, और उस 10 बीघा जमीन में ये भवन बड़ी तीव्रता से उसके लिए मार्केटिंग बोर्ड ने जो कार्यकारी थी उन्होंने निर्माण किया और एक साल में ये भवन बनकर तैयार हो गया। पूरा आप देख रहे हैं सामने, और इसका निर्माण हुआ है 4.5 करोड़ रुपए का इसका बजट स्वीकृत हुआ था और 4.5 करोड़ की लागत से ये भवन बना है। और खुशी की बात है कि 1.5 साल के अंदर अंदर कॉलेज शुरू होके उसका भवन का निर्माण होना और पूरी सुविधा के साथ उसका शुरू हो जाना, वास्तव में जो ये सांडवा और आसपास का क्षेत्र है उनके लोगों के लिए बहुत आने वाले समय सुविधा, विशेष तौर से बालिका शिक्षा में इसके लिए बहुत मदद मिलेगी। ये सिर्फ एक सांडवा ही नहीं है, आसपास के गाँव के बच्चों को इसके बहुत बड़ी मदद मिलने है। और इसीलिए आज कार्यक्रम में जिससे आसपास के सारे जनप्रतिनिधि भी आए, उनको बुलाया गाँव वालों ने कि आइए और जो एक इस क्षेत्र की जो सुविधा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान मेनेवाल की गुरुवार को सालासर में शिखर बाईपास रोड पर आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जनसंपर्क किया है। डॉक्टर अमृता चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बोझलाई चौराहे, बस स्टैंड, गणेश मंदिर चौराहा आदि अनेक स्थानों पर जनसंपर्क किया और लोगों को हनुमान मेनेवाल के सभा में पहुंचने के लिए न्योता दिया। इस दौरान अनिता राव, पाना देवी, चुकी देवी, पायल सैनी, कोमल प्रजापत, सुरूपा, सुमन शर्मा, सिंपल, ब्रिजमोहन, पंकज, काड़ूराम, मुकेश, रामू फौजी, रामलाल जाखड़, विनता बागड़ी सहित अनेक आरएलपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अमृता चौधरी ने बताया कि सालासर में आरएलपी पार्टी की सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को दोपहर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान मेनेवाल सभा के रूप में संबोधित करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोगों से पहुँचने की अपील की गई है। देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान जी मेनेवाल कल सालासर की धरती से सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का आगाज सालासर की धरती से करने को जा रहे हैं। तो आज ये पूरी टीम, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो पूरी टीम है, वो गांव गांव, ढाणी ढाणी और अभी सिटी के अंदर निकली है कि डोर टू डोर और प्रत्येक व्यवसायी के पास जाके, और ये जो हनुमान जी का जो नारा है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, इसका हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि आज जो राजस्थान की क्या हालात बन गई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। गहलोत सरकार है वो एकदम नाकाम है। जितने भी आज तक तकरीबन 2 दर्जन भर्ती पेपर जो है वो सारे आउट हो गए हैं, सारे युवा है वो बेरोजगार बैठे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। आज अखबार का जब पहला पन्ना पलटते हैं तो बड़े से बड़े क्राइम ही उसमें मिलते हैं, कोई रोजगार की बात कहीं नहीं मिलती है। और ये सारे लोग आप देख रहे हैं, अभी जो 2 दिन पहले जिस तरह से गहलोत जी और वसुंधरा जी की जो फोटो वायरल हो रही है, एक साथ बैठ के ठहाके मार के जो हंस रहे हैं, तो ये जो हमारे सुप्रीमो साहब ने, हनुमान जी बेनीवाल ने तो 2009 में ही कह दिया था कि ये लोग सारे लोग मिले हुए हैं। लेकिन इस बात को गहलोत जी ने स्वीकारा कि मेरी जब सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा जी ने मेरी सरकार को बचाया। तो अब ये जो 2023 का जो चुनाव है, इसमें जनता वोट की चोट से हनुमान जी बेनीवाल को लाएगी और ये जो नकारा कांग्रेस सरकार है इसको भगाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो बहम है उसको भी सत्ता से बहुत दूर रखेंगे। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में दशरथ सुथार निवासी के WM आडोरी पुगल जिला बीकानेर ने रिपोर्ट देकर बताया है कि 24 सितंबर को हम लोग तिरपाल खरीदने के लिए सुजानगढ़ आए थे, चाय की दुकान पर बैठे। इस दौरान हमारे पास थैला था जो कोई अज्ञात व्यक्ति पार करके ले गया। फिलहाल थैले में 1,00,000 रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी।